आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा में असलहों के दम पर बड़ी लूट, 40 लाख लूटकर बदमाश फरार, कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट, चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, कोरियर कंपनी के कार्यालय में हुई है लूट, एसएसपी एसपी सिटी समेत थाने के फोर्स मौके पर, कोतवाली थाना क्षेत्र के रावतपाड़ा का मामला। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। ये आज करीब दिन में 2:15 बजे एक व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति था वो थाने कोतवाली पर आया और उसके साथ दो लॉयर्स भी थे और उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनकी दुकान यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में जो गली है पीपल मंडी, पीपल वाली गली, पीपल मंडी जो भी है, ये यहाँ पर चार व्यक्ति आए थे और आकर उन्होंने तमंचे के बल पर पैसे लूट लिए। यहाँ पर जब उन्होंने अपना देखा, हिसाब किताब देखा और यहाँ पर जब आकर देखा कि बात क्यों हुई, तो उन्होंने बताया कि टोटल करीब 40 लाख रुपए की लूट हुई है। तो इसमें सभी अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और जो आगे की पुलिस की कार्रवाई है उसमें कई टीमें बना दी हैं, वो अलग अलग टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। कैश किसका था, किस कंपनी का था या कोई प्राइवेट कंपनी? अभी उसके बारे में जो उसके कंप्लेनेंट हैं उनसे डिटेल में बात होगी, जिसके बारे में बताएंगे कि उनका था, किसी और का था या ये कैरियर का काम करते थे, तो ये सब बातें तो अभी जाँच का विषय है। हमारी प्रथम प्राथमिकता यही है कि पहले जो बदमाश जिन्होंने घटना कारित की है उनका पता लगाया जाए और पैसे भरवाया जाए। ऑफिस इनका, ये पैसे के लेन देन का ये ऑफिस है यहाँ पर, प्रोबेबली अभी कंफर्म नहीं है, प्रोबेबली ये पैसे के कोरियर का काम करते हैं, जिसको आम भाषा में हवाला बोलते हैं, संभवतः वो काम करते होंगे, बट अभी बाकी सब चीज़ जांच में आएंगी जिसका अभी पता लगाया जाएगा। थैंक यू। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।